friends, how are you all? I hope all of you will be good. This is Jagriti. So friends, today we are learn about parts of digestive system. So let's start. फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं जो भी डाइजेशन में पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं पैथ ऑफ डाइजेशन, यानी कि जो डाइजेशन में जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ, माउथ जो होता है जिसके द्वारा फूड को इंटेक करते हैं. सेकेंड इज फेरिंग्स, जिसके द्वारा जो फूड होता है वो नीचे की ओर यानी कि सॉलो होता है. इसोफेगस क्या होता है? इसोफेगस थर्ड होता है. इसोफेगस के द्वारा जो स्टमक तक फूड को इस्टोफेगस फूड को स्टमक तक रिफर करता है. स्टमक में मेनली डाइजेशन होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क मेनली ये होता है कि जो भी फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी वाटर वगैरह होता है वो. एंड एनस के द्वारा क्या होता है? एनस के द्वारा फूड जो भी बेस्ट फूड होता है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है यानी कि जिससे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो चुके हैं तो बेस्ट प्रोडक्ट यानी कि एनएस के द्वारा वो एक्सपेल आउट रिमूव हो जाता है. अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो माउथ, माउथ के बारे में देख लेते हैं. माउथ का स्ट्रक्चर, सो स्ट्रक्चर इन द माउथ दैट एड्स डाइजेशन. जो माउथ होता है वो डाइजेशन में एड्स, मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एड्स मतलब हेल्प करना. तो माउथ क्या होता है? माउथ डाइजेशन में हेल्प करता है. टीथ, टीथ के द्वारा क्या होता है? टीथ के द्वारा कट करते हैं, टियर करते हैं, क्रस करते हैं एंड फूड को ग्राइंड करते हैं. सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो सलाइवा को प्रोड्यूस करती है, सलाइवा को सिक्रीट करती है. सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो सलाइवा को सिक्रीट करती है किस में? ओरल कैविटी में. ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को सिक्रीट करती है. एंड नेक्स्ट जो माउथ में होता है पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड होती है, सब मैक्सिलरी होती है एंड सबलिंगल होती है. ये फ्रेंड्स क्या होते हैं? ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो चिक्स के नीचे जो चीक्स होते हैं उनके विनित यानी बिलो होता है. एंड जो सब मैक्सिलरी होती है वो जॉ बोन के बिलो होती है. एंड सबलिंगल जो होती है वो टंग के बिलो प्रेजेंट होती है. और इन तीनों का वर्क क्या होता है? इन तीनों का वर्क होता है ये सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं. सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं? पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सब लिंगल ग्लैंड. जो सपैरेटिड होती है, पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो चिक्स के विनित एंड सब मैक्सिलरी जो होती है वो जो वॉन यानी कि जो जबड़ा होता है जॉ इसके बिलो होता है. सब लिंगल ग्लैंड जो होती है वो टंग के विलो होती है. इन तीनों ग्लैंड्स का वर्क होता है सलाइवा को सिक्रीट करना. जिससे क्या होता है? सलाइवा को सिक्रीट करते हैं तो सलाइवा से क्या होता है? जो फूड होता है वो मॉइस्ट होता है, फूड मॉइस्ट होता है. और ये कुछ एंजाइम्स को भी कंसिस्ट करते हैं जैसे कि एग्जांपल के लिए पेटेलाइन एंड सलाइवरी एमाइलेज, ये एंजाइम कंटेन करते हैं. जिससे क्या होता है? सलाइवरा से ये डाइजेशन स्टार्ट करते हैं एंड जो स्टार्च होता है स्टार्च को पॉलीसेक्राइड यानी कि जो स्टार्च है उसको पॉलीसेक्राइड्स स्मॉलर पॉलीसेक्राइड्स में डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं. तो माउथ जो होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है. माउथ में क्या क्या होते हैं? टीथ होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, टीथ होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं. सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं वो 3 होती हैं. एंड ये जो सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड का सलाइवा को प्रोड्यूस करना एंड सलाइवा जो होता है वो फूड को मॉइस्ट बनाता है. और कुछ इसमें सलाइवा में एंजाइम भी ये कंटेन करके रखता है जैसे कि एडरेन एंड सलाइवरी एमाइलेज. सो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स माउथ के फंक्शंस के बारे में. सो माउथ का फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि माउथ के द्वारा क्या होता है? हम फूड को इंटर यानी कि माउथ के द्वारा ही हम फूड को लेते हैं. ओरल कैविटी यानी कि माउथ में, माउथ के द्वारा हम फूड लेते हैं. सेकेंड इज टेस्टिंग, यानी कि माउथ जो होता है वो टेस्टिंग में इन्वॉल्व होता है. यानी हम जब कुछ खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें माउथ के थ्रू ही पता चलता है.
थर्ड इज़ मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड. इसमें क्या होता है, इसमें माउथ के द्वारा ही मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है. फूड का मैकेनिकल ब्रेकडाउन जो होता है वो माउथ के द्वारा ही होता है. अब मैकेनिकल ब्रेकडाउन फ्रेंड्स क्या होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन मीन्स जो कि फूड होता है, फूड जब हम लेते हैं तो जो टीथ होते हैं टीथ के द्वारा फूड का ब्रेकडाउन होने लगता है. तो ये होता है हमारा मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड. सेकेंड नेक्स्ट इज सिक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. क्या होता है फ्रेंड्स, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं. हमने बैक पढ़ा, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सेवन. तो ये तीनों क्या होती हैं, ये सलाइवा को प्रोड्यूस करती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे फूड मॉइस्ट होता है. अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, माउथ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो माउथ जो होते हैं उसमें लिप्स होते हैं, लिप्स, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, यूवला, गम, टंग, टॉन्सिल्स एंड टूथ. तो ये कुछ हमारा रहा स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ. एंड जो टीथ होते हैं जो प्रीमोलर्स टीथ होते हैं वो टू होते हैं. प्रीमोलर्स जो होते हैं वो टू प्रीमोलर्स होते हैं, कनाइन होता है बन, एंड मोलर्स जो होते हैं वो थ्री होते हैं, इंसीजर्स होते हैं पन. तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ एंड इट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ. इट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ, स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ. अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट. अब हम लोग देते हैं फेरिंग्स के बारे में. व्हाट इज़ फेरिंग्स, जो कि जिससे क्या होता है, मेनली फेरिंग्स के द्वारा फूड को शॉलो करते हैं. तो फेरिंग्स का फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू देख लेते हैं थोड़ा सा. फेरिंग्स इज़ अ कॉनिकल फिब्रियो मस्कुलर ट्यूब. फेरिंग्स जो होती है वो फिब्रियो मस्कुलर ट्यूब होती है, फिब्रियो मस्कुलर ट्यूब होती है, फॉर्मिंग द अपर पार्ट ऑफ एयर एंड फूड पैसेस. ये क्या होता है, फेरिंग्स के द्वारा जो फेरिंग्स का अपर पार्ट होता है उससे क्या होता है, उससे एयर पास होती है, एंड जो फेरिंग्स का नीचे का पार्ट होता है लोअर, उससे क्या होता है, फूड पास होता है. यानी कि माउथ के द्वारा फेरिंग्स में, फेरिंग्स के द्वारा इसोफेगस से स्टमक तक फूड जो होता है वो पास होता है. नेक्स्ट इज फेरिंग्स जो होता है वो 12-14 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और फेरिंग्स को जो विड्थ होती है वो 3.5 सेंटीमीटर होती है. फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स कॉनिकल फिब्रियो मस्कुलर ट्यूब है, एंड जिससे क्या होता है, अपर पार्ट से एयर एंड लोअर पार्ट से फूड पास होता है. 12-14 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होती है. आप देख लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं. फेरिंग्स जो होती है वो नोज़ के बिहाइंड होती है. नोज़ के बिहाइंड मीन्स नोज़ के पीछे होती है. माउथ एंड लैरिंग्स एंड द वाइडर इट इज़ अपर एंड. नेक्स्ट इज द अपर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स ट्रांसमिट ओनली एयर. जो फेरिंग्स का अपर पार्ट होता है, यानी कि जो हमारा फेरिंग्स होता है उसका जो अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट जो ओनली ट्रांसमिट द लोअर पार्ट बिलो द इनलेट द लैरिंग्स ओनली फूड. क्या होता है कि हमारा जो हमारा फूड होता है, जो इनलेट यानी कि जो अपर पार्ट से नीचे का पार्ट होता है उससे फूड पास होता है, और जो मिडिल पार्ट होता है हमारा कॉमन पैसेज बोथ एयर एंड फूड. जो मिडिल पार्ट होता है उससे एयर एंड फूड दोनों पास होते हैं. जो अपर पार्ट होता है फेरिंग्स का फ्रेंड्स, जो अपर पार्ट होता है फेरिंग्स का उससे क्या, उससे सिर्फ एयर पास होती है, एंड द लोअर पार्ट और जो फेरिंग्स का नीचे का पार्ट होता है उससे सिर्फ फूड पास होता है. बट जो मिडिल पार्ट होता है फेरिंग्स का, इससे बोथ यानी एयर एंड फूड दोनों पास होते हैं. थैंक्स. ये कुछ हमें अच्छे से देखने वाला है कि जो अपर पार्ट होता है उससे एयर पास होती है, एंड जो लोअर पार्ट होता है उससे ओनली फूड पास होता है, एंड जो मिडिल पार्ट होता है उससे क्या होता है, उससे एयर एंड फूड दोनों पास होते हैं. अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स डिवीज़न ऑफ फेरिंग्स. फेरिंग्स जो होता है उसके डिवीजन्स क्या होते हैं. तो फॉर डिस्क्रिप्शन पर्पज ऑफ द फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. फेरिंग्स के जो होते हैं वो थ्री पार्ट्स होते हैं. फेरिंग्स के थ्री पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट है नेसोफेरिंग्स, सेकेंड इज ओरोफेरिंग्स एंड थर्ड इज लैरिंगोफेरिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेसोफेरिंग्स होता है इसके बारे में देखते हैं. फेरिंग्स का स्ट्रक्चर, सो नेसोफेरिंग्स, इट इज़ अ नेसोफेरिंग्स, इट इज़ अ ओरोफेरिंग्स, इट इज़ अ लैरिंगोफेरिंग्स. अब हम इनके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स.
Nasopharynx is the portion of the pharynx. जो nasopharynx है वो क्या है? Pharynx का एक portion है. That is posterior to the nasal cavity. And nasopharynx क्या होता है? Nasal cavity के posterior, यानी कि nasal जो cavity होती है उसके पीछे स्थित होता है nasopharynx. And extend inferiorly to the uvula. और जो कहाँ होती है? Uvula के inferior extend होती है. नेक्स्ट देखते हैं द ओरोफेरिंग्स. जो ओरोफेरिंग्स हमारा होता है वो कहाँ होता है? ये भी फेरिंग्स का एक पार्ट होता है और ये ओरल कैविटी के पीछे होता है. जो हमारी नेसोफेरिंग्स थी वो किसके बिहाइंड थी? ये पोस्टीरियर ऑफ द नेजल कैविटी. बट जो हमारा ओरोफेरिंग्स है इट इज़ अ पोस्टीरियर ऑफ द ओरल कैविटी. ये ओरोफेरिंग्स ओरल कैविटी के बिहाइंड एंड नेसोफेरिंग्स नेजल कैविटी के बिहाइंड. द मोस्ट इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स इज द लैरिंगोफेरिंग्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द हायोड बोन. ये कहाँ से? ये हायोड बोन जो होती है उससे एक्सटेंड रहती है. हम लोगों ने फ्रेंड्स ये देखा पार्ट्स ऑफ द डाइजेशन. हम लोगों ने आज देखा माउथ के बारे में एंड फेरिंग्स के बारे में. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ईसोफेगस के बारे में एंड स्टमक के बारे में. आई थिंक आपको अगर वीडियो ये हेल्पफुल रहा है तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच माई ऑल फ्रेंड्स.